हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल उत्तराखंड के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की जानकारी देने जा रहा हूँ। कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल जो कि एग्रीडेटेड ग्रेड ए बाई नैक, नैक के द्वारा इसे ग्रेड ए मिला है, तो यहाँ पर आपको इसके जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होगा इसके सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम और अन्य यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि टीईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, योगा एंट्रेंस एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो बताया जा रहा है। कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल उत्तराखंड, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कुमाऊँ विश्वविद्यालय विवरण का इसका ब्रोशर है, इसकी मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 ऑनलाइन आवेदन करना है इसमें। बीएड प्रवेश परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश, आवेदन शुल्क जो है ये 1200 रुपये है और 50 रुपये पोस्टल पोर्टल चार्ज हैं, 1250 रुपये। विवरण है इसका, ऑनलाइन आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क जमा करना प्रारंभ हुआ था ये 30 सितंबर 2020 से और इसकी जो अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर 2020 है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करना 1 नवंबर 2020 से प्रारंभ होगा और अंतिम तिथि 8 नवंबर 2020 होगी। परीक्षा की जो तिथि है 8 नवंबर 2020 रविवार को है। इसमें जो प्रवेश प्रक्रिया है, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के तहत संचालित बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें प्राप्त अंकों तथा अधिमान अंकों के योग की वरीयता तथा तत्समय लागू आरक्षण नियमों के तहत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत निर्धारित तिथियों के मध्य प्रवेश दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ जो एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस आएगा। प्रवेश परीक्षा का स्वरूप एवं प्रश्न पत्र नोट, परीक्षा समय 3 घंटा, परीक्षा एक ही पाली में संपन्न की जाएगी, एक ही पाली में, एक ही जो पाली होगी उसी में सभी जो एग्जाम होंगे इसकी एग्जाम परीक्षा होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा का स्वरूप निम्नानुसार होगा, भाग एक में ए पे भाषा परीक्षण है, लैंग्वेज टेस्ट, इसकी अवधि 45 मिनट होगी, अधिकतम अंक होंगे 50 और 50 प्रश्नों के 50 अंक होंगे, 45 मिनट का इसमें टाइम होगा। इसमें जो भाषा होगी हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा आएगी, एक भाषा आएगी हिंदी अथवा अंग्रेजी में से। और अनिवार्यता है सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान एवं तार्किकता परीक्षण, बी पे जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग टेस्ट होगा, सामान्य ज्ञान एवं तार्किकता परीक्षण, अवधि होगी इसकी 45 मिनट, अधिकतम 50 अंक होंगे, 50 प्रश्नों के 50 अंक होंगे। तो इस प्रकार भाग ए में जो होगा ये लैंग्वेज टेस्ट होगा, बी में जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग टेस्ट और सी पे अनिवार्यता सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य, सी पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसकी अवधि 45 मिनट होगी, इसमें अधिकतम अंक 100 होंगे, 50 प्रश्नों के 100 अंक होंगे, 45 मिनट का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और इसके बाद अनिवार्यता है सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य, डी पे वैकल्पिक प्रश्न पत्र ऑप्शनल पेपर होगा जिसकी अवधि 45 मिनट होगी, अधिकतम 100 अंक होंगे, 50 प्रश्नों के। अनिवार्यता है प्रत्येक परीक्षार्थी जिनमें से किसी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र में सम्मिलित होगा, पहला विज्ञान वर्ग साइंस ग्रुप, दूसरा कला वर्ग आर्ट्स ग्रुप, तीसरा वाणिज्य वर्ग कॉमर्स ग्रुप। तो इस प्रकार इसमें जो पेपर है 4 पेपर होंगे, पहले पे लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि 45 मिनट में करना होगा और 50 अंकों का होगा, 50 प्रश्न होंगे इसमें, बी पे जो होगा जनरल नॉलेज और रीजनिंग का टेस्ट होगा जिसमें कि 50 प्रश्न होंगे 50 नंबरों के और 45 मिनट में ये करना होगा। तो इस प्रकार ये 1.5 घंटा हो जाएगा यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट और जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग टेस्ट। और इसके बाद जो सी पे होगा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें 45 प्रश्न होंगे, 45 मिनट का इसमें टाइम होगा, 50 प्रश्न होंगे 100 अंकों के। और जो लास्ट में डी है इसमें से एक विकल्प चुनना होगा, ऑप्शनल पेपर होगा ये, इसमें 45 मिनट का टाइम होगा और 50 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, इसमें विज्ञान वर्ग, कला वर्ग या वाणिज्य वर्ग में से एक विकल्प चुनना होगा। तो इस प्रकार 4 पेपर होंगे जो कि 3 पेपर जो हैं लैंग्वेज टेस्ट, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सभी के लिए अनिवार्य होंगे। और डी पे जो ऑप्शनल पेपर होगा इसमें से एक पेपर चुनना होगा, विज्ञान वर्ग, कला वर्ग या वाणिज्य वर्ग में से।
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को भाग एक में 40 अंक एवं भाग दो में 80 अंक लाना अनिवार्य है। जो सामान्य वर्ग का कैंडिडेट्स हैं उनको भाग एक में 40 अंक लाने अनिवार्य होंगे एवं भाग दो में 80 अंक लाने अनिवार्य होंगे। भाग एक में जो है लैंग्वेज टेस्ट और जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग टेस्ट है और भाग दो में एप्टीट्यूड टेस्ट और ऑप्शनल पेपर का टेस्ट है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को भाग एक में 27 अंक एवं भाग दो में 54 अंक लाना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के लिए जो बीएड के रजिस्ट्रेशन है प्रारंभ हो चुके हैं। 25 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। एग्जाम 8 नवंबर 2020 को होगा और प्रवेश पत्र जो है 1 नवंबर 2020 से 8 नवंबर 2020 तक डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिलेबस बताया गया किस प्रकार का सिलेबस आएगा एंट्रेंस एग्जाम में। जो कैंडिडेट्स कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम और अन्य यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एमबीए, सीटीईटी, टीईटी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, योगा रिलेटेड एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।